करने वाली हूँ ये स्कल वाला मेकअप लुक किया, और इस टाइप का जो मेकअप ग्राफिक लुक होता है बहुत सॉलिड लगता है, और आप देख लोगे कि कितना रियलिस्टिक स्कल लग रहा है। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि ये जो हमने लुक क्रिएट किया है ना, ये कैसे क्रिएट किया है, आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम अभी रियलिस्टिक मेकअप लुक करने वाले हैं इस वीडियो में, तो चलो स्टार्ट करती हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर करो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना जो भी इस तरह के मेकअप लुक को सीखना चाहते हैं। आई होप कि इस वीडियो ने आपको थोड़ा तो डराया होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये मेकअप लुक। पहले मैं प्राइमअप कर ले रही हूँ मेरे फेस को मेबेन फिटमी के इस प्राइमर से, एंड ये पोर फिलर है, क्योंकि आज जो हम लोग क्रिएट करने वाले हैं ना वो बहुत यू नो ड्रामेटिक लुक है, उसके लिए बेस अच्छा सा क्रिएट कर लेते हैं ताकि लुक हमारा परफेक्ट आए, ठीक है। तो वो डिसेंट अमाउंट में लेके इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना। मैंने मॉइस्चराइज अप कर लिया था एंड मैंने यूज किया है बीटू वाला मावा, आज का मॉइस्चराइजर बहुत बॉम है गाइस। मैं जल्दी उसके ऊपर रिव्यू शेयर करूंगी मेरे इस वाले चैनल में भी, ताकि यू गाइस कुड हैव दैट आइडिया, ठीक है। काफी बॉम प्रोडक्ट है, वो मुझे पीआर में रिसीव हुआ है, बट आई शेयर द रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू। उसका वीडियो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, बट इफ यू वॉन्ट आई विल शेयर। सो आफ्टर सेटिंग माई फेस, अब मैं यहाँ पे वैक्स ले रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ब्रश है, इसमें जरा सा वैक्स लेके मैंने अपने ब्रॉज को पहले यू नो सेट कर रही हूँ। देखना बड़ा मस्त ईवल लुक आएगा हमारा, तो कुछ नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू अप्लाई आवर वैक्स और इसे यू नो पुल अप करना है, मुझे ईवल लुक आए, और इसे मैं सेट कर दूंगी एज इट इज, ताकि ना ये चिपक जाए, बस यही काम है इसमें और कुछ भी नहीं। सो दिस इज सेटिंग अप काइंड ऑफ थिंग, और जैसे ये ड्राई होता है फिर हम अपना यू नो ईवल लुक स्टार्ट करते हैं। वो ब्राउन पेंसिल आप कोई भी ले सकते हो, यू कैन आइदर टेक द ब्लैक वन ऑल्सो, और हम बस अब कैनवस तैयार करेंगे हमारा बेस मेकअप के लिए। तो हम चलो ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने यू नो कर लिया है तैयार बेस, तो अब मैं इसमें बस एक कैनवस ड्रॉ कर रही हूँ। अब बोलो तो आउटलाइन के जैसा आप देख लो कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा हॉलो इफेक्ट देना है मुझे। आई लाइक क्रिएटिव लुक्स, मुझे ना क्रिएटिव मेकअप एंड क्रिएटिव लुक्स करना बहुत ज्यादा ही पसंद है, मुझे बाकी का नहीं पता, बट आई तो लाइक आई जस्ट लव क्रिएटिव लुक्स। ये आउटलाइन अप्रोप्रिएटली आपको कर लेना है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अगर आप ये क्रिएट करना चाहते हो तो आप क्रिएट कर सकते हो। I love creating this shot of look, you know. थोड़ा सा डडी लुक दिखाना है हमें। So, we like done, I guess. Take the cavity also, हमें आई का एक कैविटी तैयार करना है, तो we just have to make the cavity hole. जिससे लगे कि cavity है हमारे यू नो आई। फाइनल स्केच, सो वी आर टेकिंग व्हाइट कलर पेंट, एक्चुअली फेस पेंट, और हम इसे अभी फिल इन करेंगे हमारा पहले आईब्रो, क्योंकि हमें अपने आईब्रोज को ना पूरी तरीके से छिपाना है। आई लाइक क्रिएटिंग सच फाइनल लुक, आपको बस ना कैनवस को फॉलो करना है, कैनवस आपको बिल्कुल बिगाड़ना नहीं है अपने फेस का जो हमने यू नो प्रिपेयर किया है। जितने हद तक हाइड होगा हम अपने ब्रॉज को हाइड अप कर रहे हैं। बेसिकली फेस पेंटिंग चल रही है गाइस। हमें जो कैविटी हमने तैयार किया ना हॉलो वाला, वहां वहां यू नो इसे अप्लाई करके पेंट करना है। काजल सॉरी लाइनर, और हमारा जो फॉलो कैविटी है ना उसे फिल करेंगे, और बेसिकली इसमें डार्क इंटेंस करेंगे, अब मजा आएगा। ये तो अभी नहीं स्पूकी लग रहा है देखने में, बेसिकली ये आपको लेना है स्विस ब्यूटी का, और जेल लाइनर को हम डिप करेंगे और अप्लाई करेंगे पूरे आईज में, जहां जहां पे दिख रहा है ना आपको एम्प्टी खाली वहां अप्लाई कर रही हूँ मैं।
हम यहाँ पे फेस करेंगे, जो हमारा साइड में हमने एक फॉलो यूज किया है। लिप्स के अंदर डालेंगे, क्योंकि सारे में तो भी हम ब्लैक का टच करेंगे हल्का हल्का। गाइस अब हम लेंगे ब्राउन आई शेडो, मतलब सटल ब्राउन, ज्यादा इंटेंस ब्राउन नहीं लेना है। और अब हम थोड़ा सा यहाँ हमारे स्कल इफेक्ट में वो डेप्थ क्रिएट करेंगे, ज्यादा नहीं, यू नो, जरा सा डेप्थ, ताकि वो नजर आए, लगना चाहिए कि थोड़ा सा स्कल ह्यूमन है, ठीक है। वो डेप्थ क्रिएट करना है हल्का हल्का, यू नो, जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ। अब हम लेंगे ब्लैक का कलर एंड हम लोग उसमें से डेप्थ क्रिएट करेंगे, जहां जहां पे हमें लग रहा है कि हमें वो ब्लैक इफेक्ट देना है। बेसिकली एक यू नो इवन इफेक्ट बनता है। अब हमारा जो एम्प्टी स्पेस बचा ना, वहां पे मैं मेकअप अप्लाई कर लूंगी। थोड़ा सा लेते हैं हैंड में एंड इसी से डॉट डॉट करके अप्लाई करते हैं। और इधर हम शेडिंग क्रिएट करेंगे, इधर यू नो ये कलर ट्रांजिशन पे ऑफ आ रहा है स्कल के ऑपोजिट में। ये मैंने एक ब्राउन आई शेडो लिया है और इसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अब हम आउटलाइनिंग करेंगे, जो भी हमारा ब्लैक पोर्शन है ना इसके बाहर में, खत्म हो रहा है आजकल का हेलो, इसे भी आउटलाइन करना है। तो
लैशेस है। अच्छा लगा एंड अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर जाना कि ये लुक आपको कैसा लगा एंड कितना हॉरिफाई कर पाया। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा और वैसे मेकअप लुक मैं लाऊंगी मेरे इस चैनल में, तो प्लीज स्टेट यून रहो एंड मिलती हूँ और अच्छी वीडियोज के साथ में। और भी मेरे मेकअप रिव्यूज एंड और भी वीडियोज हैं एंड ट्यूटोरियल्स हैं, आप उसे चेकआउट कर सकते हो एंड आई होप कि आपको ये लुक अच्छा लगा होगा। चलो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी सी यू, बाय गाइस।